क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 1.4 बेसिक एंड थ्योरी। तो शुरू हम लोग करते हैं आज प्रश्नावली 1.4 का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जाने इसमें कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें चीज एक आएगा शांत दशमलव संख्या। याद है शांत दशमलव संख्या क्या होता है? तो शांत दशमलव संख्या वह होता है कि अगर हम लोग किसी संख्या में भाग दें तो उसका शेषफल शून्य आ जाएगा। पहचान का होगा हर में क्या होना चाहिए? दो और पाँच होना चाहिए। अगर हर में दो और पाँच है तो हम उसको शांत दशमलव प्रसार करें, ठीक है। अच्छा, शांत दशमलव प्रसार को हम लोग दो भागों में बांटे। देखो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत होता है। अशांत का होता है माने अशांत दशमलव प्रसार वह होता है जो दो और पाँच हर में नहीं आता है और भाग देने पर रिपीट होता रहता है, माने या रिपीट भी नहीं होता। अच्छा, बहुत ऐसी संख्या होती है ना जो भाग देने पर रिपीट होता है, जैसे दशमलव चार दो पाँच आ गया, फिर से चार दो पाँच, फिर चार चार दो पाँच, वो रिपीट होता है। सुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत ही संख्या होती है कि आप भाग देंगे तो चार या पाँच अंक के बाद रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती संख्या। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, दोहराना, आप पढ़ेंगे आवर्त गति। तो माने क्या बोला हमने, अशांत और आवृत्ति रिपीट होती है लेकिन पूरा पूरी नहीं करता है, आता रहेगा, एक समय के बाद वो अंक रिपीट होते रहेंगे। जैसे 11/7 आ गया, जैसे 5/10 नहीं, जैसे 5/3 आ गया, तो रिपीट होने वाली संख्या। एक होता है अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि जो रिपीटे नहीं होगा, जैसे कलनी में 2 हुआ तो 1.41 अभी आता रहेगा लेकिन कहीं बीच में रिपीट नहीं होगा, दोबारा माने रिपीट नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या शांत है? पहचान का सबसे छोटा सा ट्रिक होता है कि उसके हर में 2 और 5 होना चाहिए। केवल 2 रहेगा तभी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तभी शांत रहेगा, 2 और 5 रहेगा तभी शांत रहेगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया 7 आ गया, माने 2 और 5 को छोड़ करके 3 आ जाएगा। अच्छा, 1 आएगा तभी आप शांत कह दीजिएगा, 1 तो रहेगा तो भाग देने को उतना ही आता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि शांत और अशांत। तो पहले हम लोग देखते हैं शांत के बारे में, यहाँ से बता रहा है। पहले हम लोग कहाँ देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, और आपने कहा कि सर ऐसी संख्या जिसमें हम लोग भाग देने पर वो भाग क्या होता है, पूरा पूरी चले जाता है। मानता है देखो कि ऐसी संख्या जिसमें गुड मॉर्निंग, जिसमें हर से अंश में भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल का आ जाए शून्य आ जाए, शून्य आ जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। याद करो सब लोग, बोर्ड के पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि आप कैसे शांत दशमलव प्रसार को पहचानेंगे, बस भाग दो। देखिए यहाँ तो 10 में आपको बिना भाग देकर ही बताना है 2 और 5, लेकिन आप 9 में होंगे तो भाग देकर के बताया गया होगा। 1.3 में जब आप पढ़ रहे होंगे तो 3 या 2 में, उसमें आपका दिया गया भाग देकर के बताना था। शेषफल 0 आ गया, चाहे दशमलव बढ़ाइए भाग पर लो चाहे मत बढ़ाइए, तो आप कहेंगे शांत है। शेषफल 0 नहीं आता था तो कहते थे अशांत था, लेकिन इसमें पहचान गए केवल बिना मन भाग दिए हुए आपको पहचानना। अभी आप क्वेश्चन पढ़िए 1.4 का पहला, वो लिखा गया कि बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा शांत और अशांत आपको छांटना बिना भाग देकर। तो आगे बिना भाग देकर के हमें पहचानना, तो हमें ट्रिक चाहिए ना, इसके लिए ट्रिक है। देख लो पहचान इसका है क्या, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि हर में 2 और क्या होगा, 5 होगा। माने ऐसे लिख लेना ना कि हर में 2 के ऊपर यन और 5 के ऊपर यम होता है, यन और यम घात है, हो सकता है 3 घात आए, हो सकता है 3 2 आ जाए हर में, जैसे 8 हो गया तो 2 के ऊपर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे,
60 आएगा तो काटोगे तो 3×2 आएगा ना, 2×2 × 2 तो 2×5 नहीं लिख देना। मान लो हो सकता है कि 3×5 आ गया या 2×5 आ गया, जब 2×5 आएगा तो 5×2 लिख देंगे, 3×5 आ गया 3 लिख देंगे। अरे तो तकलीफ हो तो गिर काटेंगे पड़ेगी। चलो समझेगा ना, जो अशांत होता है इकाई 2 के ऊपर यम लिखाया, कारण है कोई यम काहे लिखाया है हुँ? चाह सही लगता है।